दोस्तों, अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है और आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं और जब आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका फॉर्म पेंडिंग में शो करता है या पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल दिखता है या पेंडिंग फॉर आपको ब्लॉक लेवल दिखाता है, आपका फॉर्म पेंडिंग चलता है। दोस्तों, पेंडिंग फॉर्म को अप्रूवल के लिए कैसे भेजें, अप्रूवल फॉर्म कैसे कराएं, दोस्तों इस पोर्टल पे आ जाएंगे हम, kisansubdha.government.in। दोस्तों, यह गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो आपको फर्स्ट नंबर जो मिलेगा आपको यहां से मिल जाएगा नाउ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट स्टेटस दोस्तों, ठीक है। और जो सेकंड नंबर होगा यहां से एडिट आधार कार्ड मिल जाएगा, यदि कोई आपको प्रॉब्लम फॉर्म में है तो एडिट कर सकते हैं। और जो तीसरा है आपको सेल्फ रजिस्टर्ड मिल जाएगा दोस्तों, यदि आपने सीएससी से कराया हो ऑनलाइन या आपने खुद से मोबाइल से किया हो तो आप तीसरे नंबर पर ओके करेंगे। यदि आप फॉर्म न्यू करना चाह रहे हैं तो आप न्यू फार्मर पर, यदि दोस्तों आप कंपनी जैसे पीएम किसान टोल फ्री नंबर कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हम बता दें, यदि आपको नहीं पता स्टेटस कैसे चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि फॉर्म कैसे हमारा पेंडिंग चल रहा है या अप्रूवल चल रहा है, तो उसके लिए हम सेल्फ रजिस्टर्ड नाउ स्टेटस पे ओके करेंगे। जैसे ही इस पे ओके करेंगे वैसे हमारा पेज खुल जाएगा दोस्तों, आपका पेज खुल जाएगा तो आपके सामने यहाँ से मिलेगा आधार कार्ड नंबर डालने को मिलेगा। जिस भी किसान भाई का फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, अप्रूवल नहीं हो रहा है और उसका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और सर्च पे ओके कर देंगे। जैसे आप सर्च पे ओके करेंगे वैसे आपका डेटा खुल जाएगा, डेटा ओपन हो जाएगा और आपको अप्रूवल या पेंडिंग के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ से डेटा देख लेना है, आपको फार्मर नेम आपको पता चल जाएगा, उनके पिताजी का फादर नेम पता चल जाएगा, आधार कार्ड के नंबर जो लास्ट के चार डिजिट होते हैं वो पता चल जाएगा, अकाउंट के लास्ट के चार डिजिट होते हैं, आपको सभी डेटा आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, रीजन दिख जाएगी। दोस्तों, जो स्टेटस होता है इनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस में दोस्तों यहां से दिखा रहा है वेरिफिकेशन वाइज सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दोस्तों, यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटका हुआ है, इनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है और पेंडिंग की वजह से इनका फॉर्म को जो पैसे नहीं मिलेंगे, इनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। जब तक यहां फॉर्म पे वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट लिखे ना आएगा तब तक इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए कैसे भेजें, दोस्तों पेंडिंग जो फॉर्म होते हैं कुछ दिनों से, जैसे आपको फॉर्म एक साल हो गया या दो साल हो गए या आपने 10 दिन पहले फॉर्म कराया ऑनलाइन या आपको 5-6 महीने हो गए फिर भी आपका फॉर्म या वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखाता है और पेंडिंग शो करता है, अप्रूवल नहीं होता है। दोस्तों, अप्रूवल के लिए हम इस पोर्टल के माध्यम से बताएंगे अप्रूवल कैसे करते हैं। तो हम अपना एक पेज खोल लेंगे मोबाइल पे, एक क्रोम पे, एक ब्राउजर खोलेंगे और उसमें आपको टाइप करना है जन सुनवाई पोर्टल। दोस्तों, यह पोर्टल के जरिए हम अपना फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। हमारा सेकंड लिंक होगा जन सुनवाई पोर्टल, तो हम इस पे फर्स्ट लिंक पे ओके कर देंगे। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे ओके करेंगे तो आपका जन सुनवाई पोर्टल आपके सामने नजर आ जाएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से शिकायत, उसके बाद में शिकायत की स्थिति और आपको यहाँ से जो भी है आपको स्थिति मिल जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट लिंक होगा हम शिकायत के पंजीकरण, दोस्तों हमें पीएम किसान से संबंधित करने हैं तो शिकायत पे ओके करेंगे और जहाँ से एक टर्म कंडीशन आपको लेना है और सहमति पे आई एग्री पे आपको ओके करना है। जैसे आप आई एग्री पे ओके करते हैं वैसे आप सबमिट पे ओके करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबमिट पे ओके करने के बाद में आपके सामने थोड़ा सा इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ से मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जो आपके पास में प्रेजेंट में मोबाइल हो, जो आपके पास में यूज होता हो, जो मोबाइल आपके पास में चलता हो, उस मोबाइल नंबर को आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद में आपको कैप्चा फिल करना है। दोस्तों, जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसे फिल करेंगे और ओटीपी पे हम भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे मतलब ओटीपी हम मोबाइल पे भेजेंगे। जैसे दोस्तों आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे वैसे आपको ओटीपी चली जाएगी आपके पास में और उसके बाद में आपका यह फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर में आपको नाम दिख जाएगा जो आवेदक हैं पीएम किसान सम्मान निधि के, आपके जो भी किस्तें नहीं आ रही हैं पेंडिंग फॉर्म चल रहा है तो उनका नाम डालेंगे और जो सेकंड नंबर पे उनके पिताजी पति जो भी हैं उनका नाम डालेंगे, वो पिता हैं तो पिता नाम डालेंगे, उनका पिताजी का नाम डालेंगे और लिंक डालेंगे। आप लिंक कौन सा, जैसे मेल फीमेल जो भी हैं, आपको मोबाइल नंबर यहाँ सेकंड भी डाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर है और आपको ईमेल मेंशन जरूर करना दोस्तों यदि आपके पास में ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को मेंशन कर दें, ईमेल आईडी को दर्ज करें। यदि आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जो शिकायत है वो हमारी शिकायत के तौर पर, तो हम शिकायत के तौर पर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है।
और इतना सब कुछ करने के बाद में आपको मिल जाएगा विभाग, आप किस विभाग में शिकायत करना चाह रहे हैं। दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि के इश्यू आ रहा है तो आपको विभाग देख लेना है, कृषि विभाग संबंधित होगा हमारा पीएम किसान सम्मान निधि के इश्यू होगा तो हमें यहाँ से देख लेना है कृषि विभाग, आपको फर्स्ट नंबर पर दिख जाएगा कृषि विभाग, तो आपको कृषि विभाग पर ओके कर देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको संदर्भ श्रेणी मिलेगी, मतलब आप कृषि विभाग के संबंधित किस प्रकार की शिकायत करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ से शिकायत जो होगी हमारे पीएम किसान सम्मान निधि इशू के कारण होगी, तो हम यहाँ से देख लेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दोस्तों यहाँ से मिल जाएगी प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के संबंधित की शिकायत, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम यहाँ से शिकायत करेंगे दोस्तों, इस पर ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने यह ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो शिकायत होगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की, तो आप यहाँ से मैटर टाइप करेंगे किस इशू के लिए करना चाह रहे हैं दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दर्ज कर देना है कि पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म आपका पेंडिंग चल रहा है तो पेंडिंग के संबंध करेंगे हम दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप डालेंगे पीएम किसान पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, डाल भी सकते हैं आप, इस डाल सकते हैं जो आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है तो आप यह लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको इतना सब टाइप करने के बाद में आपको मिल जाएगा, यदि आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे टिक करें, यदि आप नगरीय मतलब शहर से हैं तो नगरीय पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद में आपको जनपद मिल जाएगा कि आप किस जनपद से रहने वाले हैं, जिला कौन सा है, तो आपको यहां से जो भी जिला होगा उसे आप चुन लेंगे, जैसे आपका जिला जो भी है आप उसे चुन लेंगे, ठीक है। और जिला चुनने के बाद में, जैसे आपका जिला चुनने के बाद में आपको मिल जाएगा ब्लॉक, हम जिला चुनेंगे और उसके बाद में आपको मिलेगा तहसील, तहसील चुनने के बाद में उसके बाद मिलेगा ब्लॉक कि आप किस ब्लॉक के रहने वाले हैं, उसके बाद में आपको ग्राम पंचायत मिल जाएगा, उसके बाद में आपको ग्राम पंचायत राज्य ग्राम पंचायत मिल जाएगा, उसके बाद में थाना मिल जाएगा, थाना दोस्तों आप जो भी थाना है वो आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। यदि आपका सेम है तो सेम अनुसार कर सकते हैं, इसे उपरोक्त अनुसार कर सकते हैं, यहाँ से यदि आपका एड्रेस सेम है तो आपको सेम पे क्लिक कर देंगे और आपका एड्रेस सेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आवासी और आपका ग्रामीण जो भी एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में यदि आपने पूर्व में कोई संदर्भ संख्या यदि दर्ज की है तो आप इसे पूर्व में ओके करें और उस संख्या का मेंशन करें, उस संख्या को आपको यहां से दर्ज कर देना है। हमने कोई संख्या पूर्व में कोई दर्ज नहीं की है तो हम इसे मेंशन नहीं करेंगे और उसे छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको नीचे मिल जाएगा आवेदन की एंड संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हेतु क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, बैंक की किताब और इंतकाब होना आवश्यक है। और दोस्तों जो पीडीएफ साइज रहेगा, जो डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा, आप डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फाइल बना लें, डॉक्यूमेंट को आप एक पीडीएफ फाइल बना लें और 500 केबी से कम पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दें दोस्तों। पीडीएफ फाइल जो होगी वो आपको 500 केबी से अंडर रखना है, 500 केबी से कम रखना है। पीडीएफ फाइल में आप बैंक की किताब लगा दें, पहले सबसे पहले आपको आधार कार्ड, फिर इंतकाब, फिर बैंक किताब लगा दें, तीनों जो कॉपी होंगी आपको अटैच करना है, पीडीएफ फाइल बना लेना है। पीडीएफ फाइल आप ऑनलाइन बना सकते हैं और जो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल होगी उसे आपको 500 केबी से कम रखेंगे, ठीक है। यदि आपकी 500 केबी पीडीएफ फाइल नहीं बन रही है तो आप सिंपली इसमें आधार कार्ड की कोई पीडीएफ फाइल या जेपीजी फाइल 500 केबी से कम अपलोड कर सकते हैं, एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। यदि आपकी पीडीएफ फाइल 500 केबी से कम बनती है तीनों डॉक्यूमेंट की तो और भी अच्छी बात है, नहीं बनती है तो आप सिंपली इसमें आधार कार्ड का एक पीडीएफ फाइल या जेपीजी फाइल 500 केबी से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप चूज फाइल पे ओके करेंगे, जहाँ भी आपका डेटा रखा हो, जहाँ भी आपकी फाइलें रखी होंगी तो आप चूज फाइल पे ओके करेंगे। जैसे हमने चूज फाइल पे ओके करा और उसे हमने अपलोड करा, अपलोड करने के बाद में आप सुरक्षित पे ओके करेंगे, संदर्भ सुरक्षित करेंगे दोस्तों। दोस्तों संदर्भ सुरक्षित ये होता है कि आपका डेटा सुरक्षित किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, आप अच्छे से जांच लें कि आपका डेटे में कोई, जैसे हमारा डेटा कोई सुरक्षित हो गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो इसलिए आपको डेटा अच्छे से जांच लेना है। यदि आपका डेटा में कोई मिसमैच निकलता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा दोस्तों। हमने जैसे ओके करा तो थोड़ा सा चला यहाँ से देख लेंगे, और दोस्तों हमने संदर्भ सुरक्षित पर ओके करा, जैसे आपने ओके करा तो आपका डेटा शो कर जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, अच्छे से सबमिट हो गया है। जो आपने डेटा डाला था वो आपका डेटा, नाम, आपका पता, वो आपको शो करने लगेगा, और जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया, जो आपने मोबाइल नंबर इसमें डाला था उस पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, कंप्लेंट नंबर गया होगा दोस्तों। और यहाँ से भी हम अपना संदर्भ प्रिंटआउट ले सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास में संदर्भ प्रिंटआउट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया तो इसके सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा संदर्भ प्रिंट करें दोस्तों। यहाँ से हम सिंपली आप पे ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा यहाँ से संदर्भ प्रिंट मिल जाएगा दोस्तों। संदर्भ प्रिंट के लिए हम इसे ओके करेंगे और यहाँ से कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से संदर्भ प्रिंट में आपको यहाँ से जो संदर्भ संख्या, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, आपका जो नाम मिल जाएगा, आपकी जो इशू है पीएम किसान सम्मान निधि की आपको वो मिल जाएगी, आपको जो समस्या है वो आपको
एक मंथ से आपको 2 मंथ लग सकते हैं या आपको 10 दिन से 20 दिन लग सकते हैं आपकी समस्या ठीक होने में दोस्तों, ठीक है। किसी किसी का दोस्तों फॉर्म होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, किसी किसी का फॉर्म दोस्तों कुछ दिनों बाद ठीक होता है। नहीं रहे दोस्तों, यदि आपने कंप्लेंट कर दी है तो आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी ठीक होगा। आपको फॉर्म में कोई रुकावट हो सकती है तो आपका 1 मंथ लग सकता है या 2 मंथ लग सकते हैं, फिर भी आपको फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा दोस्तों। कुछ दिन का वेट कर लेंगे इस कंप्लेंट डालने के बाद में। दोस्तों यह कंप्लेंट आप जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, वही कंप्लेंट इसे डाल सकते हैं। अदर स्टेट के अभी इस पोर्टल से नहीं डाल सकते हैं। अदर स्टेट कि कोई भी बंदे हैं तो वो पीजी पोर्टल से इस्तेमाल करें, पीजी पोर्टल से भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपको पीजी पोर्टल से नहीं पता तो आप ऑफलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन कंप्लेंट डालने के लिए आपको तहसील में संपर्क करने पड़ेगा। तहसील में आपको डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी की होगी, डॉक्यूमेंट आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, बैंक की जो पासबुक होती है, और आपको इंतकाब होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट लेके आपको तहसील में संपर्क करना है, तहसील में जमा करना है और उनसे बोलना है सर हमारा फॉर्म जी पेंडिंग में चल रहा है, बहुत सा समय हो गया है और हमारा फॉर्म पेंडिंग से अभी अप्रूवल के लिए नहीं हो रहा है, अप्रूवल करा दें सर। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उसके बाद में आपका अप्रूवल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।